रात के करीब 11:20 हो रहे हैं और तापमान 7 डिग्री सेल्सियस है। एक बार दीपेश इस पर फोकस करिएगा, दिखाते हुए भी मेरे हाथ कांप रहे हैं, इतनी ज़्यादा ठंड है। और ये वो वक्त है जब लोग अपने अपने घरों में रजाई के भीतर सो रहे होंगे, लेकिन राजधानी दिल्ली के अंदर तमाम लोग ऐसे हैं जो सड़कों के किनारे सोने पर आज भी मजबूर हैं। रैन बसेरा क्यों नहीं जाते हैं आप लोग सोने के लिए? रैन बसेरा रात को भर जाते हैं, फिर एंट्री नहीं हो पाता है, भर जाता है रैन बसेरा। तो आपने कभी जाने की सोची वहाँ पर? कोशिश सोचते रात को धक्का होके लगा तो 7:30-8 मतलब वो एंट्री करता है। अच्छा, उसके बाद फिर भर जाता है तो फिर नहीं जा पाते हैं। बनाया है वो तो कहती बहुत जगह है, लोग कहाँ जगह है? कोई जगह ही नहीं है, जाके देखो ना वहाँ सेंटर रूम में जाके देखो। आपने एक भी बार जाने की कोशिश की वहाँ पर? हाँ, जाने की कोशिश क्यों नहीं करते। अच्छा, ये जो कंबल है ये आपको किसने दिया है? तो दे जाते हैं देने वाले। अच्छा, दे जाते हैं। हाँ, और आप करते क्या हैं? करते हैं कुछ भी, कर लेते हैं काम और क्या करते। अच्छा, सरकार तो कहती है कि बिना आईडी वाले भी जा सकते हैं सोने। जान ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और आज से नहीं, मेरे को हो गए करीबन 14-15 साल हो गए इस जगह पे, ठीक है। दिल्ली में रहते रहते आज तक की हम पुश्ते पे भी गए और यहाँ तक जमुना बाज़ार भी गए, डांडी पार्क भी गए, हर जगह गए सेंटर में। बाकी ना सब आईडी मांगते हैं, बोलते हैं आधार कार्ड लेके आओ, अपना पहचान लेके आओ। जब नहीं है पहचान तो हम कहाँ से दें भैया पहचान अपनी। तो मैडम एक बार इधर देखिए और बताइए कि कभी आपने कोशिश की शेल्टर होम के अंदर जाने की? की तो बहुत बार, लेकिन हमारे पास आधार कार्ड नहीं, आधार कार्ड गुम हो गया हमारा बाहर रह के, इसलिए हम लोग सेंटर में नहीं जा रहे। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग तो यहाँ से ही है, वैसे भी मेरे हाथ का ऑपरेशन हुआ है अरविंद अस्पताल में, उसके कारण हम लोग बाहर रह रहे हैं अभी फिलहाल। तो हमारा कमरा है वहाँ पे, लेकिन किराया भरने की कोई गुंजाइश नहीं, उसके कारण यहाँ रह रहे हम लोग। यहाँ पे गरीबों को तो कुछ भी नहीं समझते, कूड़ा समझते कूड़ा। क्या करते हैं आप? ऐसे ही कबाड़ा उबाड़ा बीन लेते, पेट भर लेते। परेशानियाँ वही हैं, देखिए महिलाएं भी हैं यहाँ पर, यानी कि जो दावा है कि जो भी दिल्ली का गरीब हो वो बगैर आईडी कार्ड के या आईडी कार्ड के वो आकर के शेल्टर होम्स में यानी कि रैन बसेरों में रह सकता है, ये पूरी तरीके से इनकी बातों से ऐसा लगता है कि वो एक जुमला मात्र है। ठंड बहुत पड़ रही बाबूजी, कुछ खाना ना खिलाओ, मैं गरीब। अच्छा, कितने साल के हैं आप, क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 60 साल की है जी। और यहाँ पर कहीं शेल्टर वो बना हुआ है रैन बसेरा वगैरह, वहाँ नहीं जाते हैं? उधर तो है जी रैन बसेरे, उसमें भीड़ रहती है, आदमी जाता है उसमें। ये जो कंबल आपने ओढ़ा है ये जी आपका है, कोई देकर के गया है? नहीं, ये तो बहुत पिछले साल का है। हाँ जी, आपने बोला था कंबल ला के दूंगा, तो आप ला के कल दे देना। हम 4 बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हैं। आप यहीं पर सोएंगे? हाँ जी, यहीं सोएंगे। जिन पर ये सोने की बात कर रहे हैं, अगर आप उन पर नज़र डालेंगे तो एक ये पतला सा, इसे कंबल कहेंगे या इसे चादर कहेंगे या कंबल कहेंगे ये तो पता नहीं। और ये एक कंबल है, ये किसी का दिया हुआ तो नहीं लग रहा है, ये इनका खुद का लग रहा है, ये जहाँ से भी लेकर के आए हों, ये पुराना पिछले साल का ये बता रहे हैं। और इनका कहना है कि जब ये रैन बसेरा में जाते हैं तो वहाँ पर चोरी चकारी होती है, चीना झपटी होती है, लोग चीज़ों को छीन लेते हैं, चुरा लेते हैं, और ये किसी तरीके से मांग करके खाते हैं, और इन्हीं सड़कों पर इनकी गुजर बसर होती है। आपके पास में यह रैन बसेरा बना हुआ है तो उसमें काहे नहीं जाकर सो रही हैं? बहुत आदमी उसमें। अच्छा। बहुत बेटा, मैं चल नहीं पाती, ऐसे पड़े रहते बेटा। वो खाना वाना कहाँ से खाती हैं? कोई दे देता खा लेती, मैं नहीं चल पाना उठ पाती। ऐसे रख रही है। ये कंबल वगैरह आपको कौन दे जाता है यहाँ पर?
यहाँ उड़ा जाते बेटा, गरीब बाद उड़ा जाते। एक एस भी हमारे बेटा चाय पिला दिया, खाना खिला दिया, हमारे साथ चले मेरे बच्चा। हमारे एक एस भी हमारे बेटा। अभी हम मीना बाज़ार में एक शेल्टर होम्स के अंदर हैं और यहाँ की हालत तो फ़िलहाल ठीक ठाक लग रही है और कंबल भी लोगों के ठीक ठाक हैं और कुछ बेड्स यहाँ पर खाली पड़े हुए हैं, लेकिन शायद यहाँ के लोग जो हैं बाहर सो रहे हैं, यहाँ पर कुछ लोग आ नहीं पाए हैं। तो एक बार इन्हें दिखा करके और जो यहाँ के केयर टेकर हैं हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर कितने बेड्स हैं लगभग एक शेल्टर रूम में? अलग अलग शेल्टर्स के हिसाब से, कि जैसे किसी में 20 हैं, किसी में 18 हैं, जितना स्पेस है एक में 60 हैं। जी, जो सबसे बड़ा शेल्टर है वो पीछे, उसमें 60 बेड हैं। तो अभी जो हमने अंदर देखा उसमें एक बेड पर दो लोग सो रहे थे और जबकि कई बेड्स खाली थे, ऐसा क्यों? जैसे ना कि भाई वगैरह हैं, अपनी फैमिली है, तो भी दो के ठंड ज़्यादा है तो भी चलो लिपट के सो जाते हैं। आपको पता ही है कि स्पेस वो लेते हैं, कम लेते हैं लोग सोने के लिए, क्योंकि चिपट के सर्दियों में तो होता है कि फैमिली में भी आप सोएंगे, घर में तो सब एक होता है कि भी चलो एक रजाई में अंदर आके लेट जाते हैं इसी वजह से, और अपने अपने हैं कि जैसा मन करता है इनका वैसे लेट जाते हैं। और यहाँ पर खाने पीने की क्या व्यवस्था है? दोनों टाइम खाना आता है, मॉर्निंग नाश्ता भी आता है, सुबह चाय आती है, चाय पापे आते हैं, और दोपहर में खाना है, रात को भी खाना है। अच्छा, अभी दरअसल हमने कुछ लोगों से बाहर बात की जो बाहर सो रहे हैं, तो उनका कहना ये है, हमने यहाँ पर अभी आसपास लोगों से बात की तो उनका ये कहना है कि वहाँ पर कुछ उनकी भाषा में धाकड़ लोग सोते हैं या उनको आने नहीं देते या सामान छीन लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एक्चुअली देखिए तो होता है कि भाई सामान कोई अगर जा रहा है तो भाई सामान का ख्याल तो खुद रखना पड़ेगा, वो फिर वो पता नहीं चलता कि अभी देखिए कहीं पे भी जाएंगे, लेकिन हाँ ऐसा कुछ नहीं है, सब आके सो रहे हैं, अभी अंदर यहाँ सो रहे हैं। आप पीछे जाइए, पीछे तो जगह भी नहीं है वहाँ पे बिल्कुल भी, और ये तो जो लोग बेड खाली है ना अभी वो लोग आएंगे अभी। अच्छा। क्योंकि जैसे काम पे गए होते हैं, कोई 12 बजे आ रहा है पार्टी वगैरह के काम में होते हैं, तो वो आके फिर वो लोग सोएंगे। यहाँ जो सोते हैं, यहाँ जो सोते हैं वो किस तरह के काम करते हैं वो लोग? कोई रिक्शा मजदूर है, कोई डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग हैं ज़्यादातर। अभी जब हम सराय काले खान के रैन बसेरा पर पहुँचे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अंदर से ताला जड़ा हुआ है। ताला जड़ा हुआ है, इस पर हम जोर इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि इसके ठीक दूसरी तरफ जो ओवरब्रिज है इसके नीचे तमाम लोग सोए हुए हैं। अब सवाल ये है कि अगर रैन बसेरा है और अगर जो रैन बसेरा बनाती है सरकार, अगर वो दावा कर रही है कि हम जो सारे सड़क के किनारे सोने वाले लोग हैं या बेसहारा लोग हैं उन्हें अगर यहाँ पर जगह दे रहे हैं, तो फिर आखिर वो वहाँ पर क्यों पड़े हुए हैं? यहाँ पर बात एक और है कि इन रैन बसेरों में आखिर इस वक्त ताला क्यों लग जाता है अगर वो बाहर वहाँ पर सो रहे हैं? बाहर वहाँ पर केवल कोई जवान युवक या कोई 30-35-40 साल का एक आदमी नहीं सो रहा है, एक 55-60-70 साल की एक महिलाएं भी सो रही हैं जिनके पैर में परेशानी है, जो स्वास्थ्य से परेशान हैं, कई तरह से परेशान हैं। इसके बावजूद वो एक बेहद पतले कंबल के अंदर खुद वो सो रही हैं और ख़ुद के बदन को किसी तरीके से बचा रही हैं कि ठंड से बचा जा सके बीमार होने के बावजूद। तो ये अपने आप में एक सवाल है कि इन रैन बसेरों के बने होने का आखिर मतलब क्या है?